वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे टू ऑफ आवर लद्दाख ट्रिप। ये थी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम आज रुके हुए थे। आज का जो हमारा सफरनामा होने वाला है वो होने वाला है दैट वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स ले। बीच में जो दो स्टॉप्स आते हैं दैट इज पहले आएगा जिस्पा, सेकेंड विल बी सरचू। वी विल बी एमिंग टू रीच सरचू बट दैट विल डिपेंड ऑन वॉट टाइम वी लीव टूडे। सो अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने लगे, पैकिंग इज ऑलरेडी डन एंड बाइक का सामान बदलना है लेंगे और तब तक ब्रेकफास्ट बन जाएगा। भैया ले यार ये भी रख लें। बंजी मिली बड़ी अर्पित भैया, बंजी कहाँ रखी थी? नो जी, लाइन अप इज अगेन रेडी भाई। इट इज नॉट अ इजी जॉब, बाइक पे सामान बांधना, फिर उसके बाद उतारना, फिर वापस बांधना, फिर आगे निकलना, फिर एक नई डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर से सामान उतारना, नॉट एन ईजी जॉब। हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, तब तक जब तक ब्रेकफास्ट आएगा तब तक हम सामान जो है बाइक पे लोड कर देंगे। These things are necessary जब आप बड़ी राइड पे जाते हो, चेन लूप करना, चेन क्लीन करना। 500 किलोमीटर ऑलरेडी हम राइड कर चुके थे, इसलिए हमारे को लूप करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे अभी रास्ता और ख़राब होने वाला है, ऑफ रोड होने वाला है, चेन बिल्कुल सड़ जाएगी, मिट्टी विट्टी चिपक जाएगी, तो उससे बेटर है गेट इट लूब्रिकेटेड बिफोर एंड। तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा वैसे प्लान था कितने बजे निकलने का, 7 से 8 बजे का। मैंने कहा था 9 बजे निकलना है, बट 7-8 बजे हमने सोचा था कि उठेंगे तब जाके 9 बजे निकलेंगे। हम उठे ही 9:30 है सारे और अभी बज गए हैं कितने, 12 बजे, 11:57 और अब हम ब्रेकफास्ट करने बैठे। गाड़ी वाले हम निकाल चुके बाहर, वो जा चुके आगे क्योंकि अटल टनल तक इस अभी मैंने मैप भी देखा, 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है रेड बाइक पे, कर देंगे हम तो कम्प्लीट 50 मिनट में। लो जी नंदी इज रेडी, ऐसा लुक आ रहा है कुछ हमारी नंदी का। ओ गेट सेट रेडी गो, हमारा डे टू। यस ब्रो ये लगा दे, सो हमारा डे टू, वी आर गोइंग एंड वी आर ट्राइंग टू रीच सरचू टुडे, बट इन केस हम लेट हो जाते हैं क्योंकि हम निकलने में काफ़ी लेट हो चुके हैं, 12:17 हो चुके हैं ऑलरेडी एंड सरचू पहुंचने तक का 6 घंटे का नॉन स्टॉप रास्ता है एंड 6 घंटे कवर करना यहाँ पे इज़ नॉट एन ईजी टास्क क्योंकि ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाली है आज से ही एंड वी आर रेडी फॉर दैट, बट कंडीशंस का भी देखते हुए जैसे भी होगा कि वेदर 6 घंटे की हम जर्नी करके बीच में एक दो स्टॉप लेके हम पूरा पहुंच पाएंगे सरचू या नहीं। इन केस वी डोंट, हम नहीं पहुंच पाते आज सरचू, तो हम जिस्पा पे स्टे करेंगे। जिस्पा इज़ लाइक 4 आवर्स फ्रॉम हेयर। अभी हमारा अटल टनल के बाद एक स्टॉप होगा जहाँ पे हम गाड़ी वाले जो हमारे दोस्त आगे गए हैं विदर एंड ऑल, उनसे वहाँ पे मिलने वाले और उनको निकले हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सो टेकिंग अ लीव फ्रॉम मनाली नाउ, जय माता दी, जय बाबूलाल जी, लेट्स मूव। हमें यहाँ का रेंट पड़ा 650 रुपये पर पर्सन 1 नाइट स्टे एक्सक्लूडिंग एनीथिंग में बहुत कुछ आता है, कुछ प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे। आई नो इट इज़ अ होस्टल बट स्टिल हॉस्टल में मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक इम्यूनिटीज ही नहीं दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल नहाने के लिए बकेट नहीं थी, मग नहीं था एंड कुछ भी मांगने जाओ आपको सीधा मना ही कर रहे हैं। आपने सिर्फ बेसिक सा ये क्वेश्चन पूछ लिया कि खाना गर्म करके दे देंगे, ऑलरेडी खाना हमें सर्व हो चुका था बट हम थोड़ा लेट हो गए थे उसको खाने में, तो हमने कहा कि गर्म करके दे दो प्लीज़, कहते नहीं जी गर्म नहीं कर सकते। सो दिस वॉज वेरी मतलब थोड़ा पैथेटिक सा बिहेवियर लगा मेरे को, नॉट सो वार्म, नॉट सो वेलकमिंग। तो 1 घंटे का रास्ता 30 किलोमीटर एंड वील रीच अटल टनल फर्स्ट। टॉकिंग अबाउट मनाली यार, मनाली हैज़ नेवर बीन इन माई बकेट लिस्ट एंड जिस चीज़ के लिए नहीं थी वो मेरे को आज प्रूफ भी हो गई। आज क्या कल ही प्रूफ हो गई थी, जब हम आ रहे थे इतना जाम, इतना ट्रैफिक, इतनी गाड़ियाँ, आप देख लो ये वो अपर पार्ट ऑफ मनाली है और यहाँ पे देख लो कितनी गाड़ियाँ, कितने लोग। चलो लोग तो हर रेल स्टेशन में होते, बट गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ यार, इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इज़ वेरी मच आउट हियर। मनाली से निकलते ही नज़ारे शुरू हो गए,
ये है नज़ारे, कितनी बड़ी नदी होगी जिस टाइम यहाँ पे बाढ़ आई होगी यार, क्या रौद्र रूप धारण किया हुआ होगा इस नदी ने। ब्यास नदी है ये, मनाली के पास से ऐसे नज़ारे देखने शुरू हो गए हैं तो वो भाई गुदी गुदी हो रही है अंदर सोच सोच के अभी क्या क्या देखना है यार। नाइस थिंग्स कमिंग अप, नॉट जस्ट नाइस, दी बेस्ट थिंग्स कमिंग अप इन द नेक्स्ट कमिंग डेज, अपकमिंग डेज। जब भी मनाली आओ ना ब्रेड लेके आओ, क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ मिले लगा के खा लो। पीजे सी पीजे ये देख लो, ये अटल टनल से वापसी वाले रास्ते में है ये लोग, भर भर के भीड़ आ रही है, भर भर के भीड़ जा रही है, जाम देख लो कितना लंबा है। हाँ चेन में कपड़ा लटका हुआ है, आगे करियो बाइक। और तो नहीं है ठीक है ना, बाइक के अंदर बाई चांस इसका एक स्ट्रैप फंस गया था चेन में। फेवरी सलाम गली, पैराग्लाइडिंग हो रही है तो मुझे लगता है ये सारा ना एक्टिविटी जोन है, पैराग्लाइडिंग एंड ATV बाइक की राइड, अंकल बंजी जंपिंग क्या बोलते हैं उसको, जो भी है रोप रोप वाली डुचुक डुचुक कर रहे हैं। अंकल के नीचे एक रॉकेट लगा दो, श्यू लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। सो सरचू के बारे में अगर मैं बताऊँ तो सरचू इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर, तो ये सिल्क रूट का पार्ट होता था, तो दिस वॉज द फेवरेट रूट फॉर द बिजनेस मैन ऑफ ये पाकिस्तान वाकिस्तान आना होता था, उससे आता था कोई सामान या ऊपर से कोई भी सामान आता था तो दिस वॉज द सिल्क रूट। पूरा पूरा चेंज हो रहा है, क्या सुंदर पहाड़ दिख रहे ऊपर, ओ गॉड दैट इज इनसेन, हर एक टर्न के बाद नज़ारे चेंज होते रहेंगे। वाओ दी अटल टनल, सो दैट वी कैन गेट एन ऑल माइटी लुक ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप। इसके पार होते ही मैंने जो सुना था वो सच होने जा रहे हैं कि अटल टनल क्रॉस करते ही नज़ारे अलग ही लेवल के क्रेजी होने वाले हैं। We are in Atal Tunnel! पियाना संदेश लाए सावन, तरसाए ना एक आंख मुझको भाए सावन। तो आगे से एक पर्ची लेनी है और उन्होंने बोला 7 बजे से पहले पहले दार्चुला क्रॉस करना है। जनाब गुड आफ्टरनून, पर्ची यहाँ से लेनी है? ओहो स्टिकर लगा दे अपना, स्टिकर लगा दे अपना, स्टिकर लगा सकते हैं सर। 3 पर्ची हैं बाइक के, 3 बाइक वाले इधर आ गए, 3 150 तीन हो गए, 50 पर पर्सन। लाओ सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वीजा साडा स्मॉल वाटर ब्रेक पानी पिया, यहाँ से पर्ची कटवाई, यहाँ एंट्री वीज़ा बेसिकली, यहाँ पे गाड़ी और बाइक जो भी क्रॉस होती है गाड़ी के 200 रुपये, एंड वो अटल टनल सामने ही अटल टनल है जहाँ बोर्ड है उसको उसके पीछे ही, तो अटल टनल से शायद 500 मीटर दूर हो गए यहाँ पे गाड़ी और बाइक की पर्ची कटेगी, देन यू कैन एंटर दिस प्लेस। तो 50 रुपये बाइक के एंड 200 रुपये गाड़ी के, और अपने रिकॉर्ड को कायम रखते हुए हिटिंग द रोड्स ए ए ए ए गिरा बेंच। ये कैसे गिर गया? चढ़ा दे इसके ऊपर, मैंने क्या कहा, मैंने तो कहा जाओ,
पूछा भी नहीं मैंने कि गिर गया था कि नहीं बाइक के चक्कर में। भाई वो मैं बाइक गिरी हुई है, मैं उठाने आ रहा हूँ। मैंने कहा चल पूछ तो लूँ कम से कम हुआ क्या भाई। पीछे तो पाँव मार रहा है हॉर्न, मुझे लगा मेरे को मार रहा है। उसने अंदर से ना कुछ इशारा भी करा कि साइड हो जाए ऐसे टाइप का, तो मुझे लगा मुझे मार रहा है कि भाई हटो बाइक हटो हटाओ। आर्नो की इंजन की लाइट ऑन हो गई है, वो यहाँ पे इंजन का इंडिकेटर वाला लाइट दिखा रही है जब से गिरी है ना। अभी हमें रास्ते में मिल गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम, इसकी बाइक में जो इंजन की लाइट आ रही है हमने वो दिखाई देते हैं, तो पहले वो दिखा देंगे फिर आगे चलेंगे। लाहौल स्पीति, ओके लाहौल पहुंच गए भाई, हम लाहौल में आपका स्वागत है भाई। ये देखो भाई ने क्या लिखा है गाड़ी के पीछे, ये ले जा रहा है ले, गेटिंग लेट विद हाई माउंटेन्स द वर्ल्ड। अभी हमें टांडी पे और बहुत भीड़ है इवनिंग कराने की। यार इतने तन से पानी है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। टांडी में जो पेट्रोल पंप पड़ता है ना, इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अगर बाइक पे आ रहे हो और अगर आपकी बाइक देती है एवरेज 20-25-30 के बीच में, तो डू कैरी योर जेरी कैंस या एक्स्ट्रा बॉटल्स या एक्स्ट्रा ऐसे वाले कैनियाँ नहीं होती जिसमें गंगा जल भर के लाते हैं, वो लेके ज़रूर चलो। ये रहा संगम, ये चंद्रभागा संगम, ये चंद्र नदी और भागा नदी का संगम है। एक का पानी ग्रीन है, एक का पानी ब्राउन है। सो बेसिकली जैसे काशी हिंदुओं के लिए, दिस प्लेस इज फॉर बुद्धिस्ट। ये जो संगम है यहाँ पे सबसे पहले द्रौपदी जी का, महाभारत वाली द्रौपदी जी का संस्कार हुए था। संस्कार मींस जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से लास्ट राइट्स करने का एक रिचुअल होता है, वो उनका सबसे पहले यहाँ हुआ था। एंड जैसे हिंदुओं का काशी इज़ द प्लेस जहाँ पे ये सब रिचुअल्स होते हैं, ऐसे ही बुद्धिस्ट के लिए ये वाला चंद्रभागा जो है संगम, दिस इज़ द प्लेस फॉर देम। ओके तो यहाँ पे भी उदयपुर है, जैसे कि आप जानते हो लद्दाख इज़ ऑल्सो रेगिस्तान। उदयपुर 45 किलोमीटर के लॉन्ग 9 किलोमीटर। भाई एक्सीडेंट हो गया, लड़कियाँ गिर गई हैं भाई सड़क पे, पता नहीं क्यों बैठी सड़क पे बैठ गई है यार। हाँ यही तो नज़ारे हैं जिस पे हम दिल हारे हैं। अरे भाई 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 ई का बोल दो, हम तो बिल्कुल ही शायर बन गए हैं भाई। मिल गए लौंडे, मिल गए, यहीं खड़े हैं कोरे हाउस। भैया कहो रो तुम ना मानो, ये ना भाई मजे मजे आ रहे हैं। भाई मैं क्रेजी हो गया था भाई, नहीं अटल टनल में घुस के क्रेजी हो गया था। निकलने के बाद मतलब ऐसा होता है ना जैसे जो चीज आपने सिर्फ वीडियो में देखी होती है और आपको लगता है पता नहीं आप कभी कर पाओगे कि नहीं, फिर अब आप पहुंच जाओ तो ऐसे वही रियलाइजेशन वाली चीज होगी। यस यही करना था और मैं कर रहा हूँ। 8:30-9 बजे तक भी रेस्ट करके 9 बजे बैठ गए। हाँ सो जाएंगे यार, 12 से 6 7 मैक्सिमम। कैसा लगा मेरा मजाक? 7 बजे उठो, 8 बजे। हाँ तो अब हम जिस पर रुके फाइनल हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, सरचू रुका जाए या जिस पर रुका जाए। अभी हम जिस पर से हैं अराउंड 15-20 मिनट पहले, एंड जिस पर के बाद आएगा सरचू। सरचू इज लाइक 90 किलोमीटर फ्रॉम हियर और 2.5 घंटे का रास्ता है, बेसिक का रास्ता नॉन स्टॉप। बट अब ये हो रहा है कि सरचू रुके या जिस पर रुके। टेम्पू ट्रैवल कर ले मेरे मम्मी पापा को भी पता है हम साथ में ही जाएंगे। एक मसाला मैगी भी खा ले। सॉल्यूशन इज नॉट सॉल्यूशन।
चल रही है मीटिंग मीटिंग हो रही है मीटिंग मीटिंग कर लो मीटिंग मीटिंग बेसिकली ड्रोन किसी के पास नहीं है नहीं बेसिकली है एक ही बंदे के पास है चौधरी सब पर देखते हैं आपको अच्छा अगर नहीं दिखाया फिर अगर नहीं दिखाया आपको जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएंगे कल सुबह 6 बजे आपने कितना बड़ा करके 6 बजे अगर कुछ बड़ा करना कहाँ गया जिसके साथ बड़ा करना है जिसके साथ में बड़ा करने गया तू कब आ गया यार तू तो गाड़ी में गया था बड़ा करने कुछ वो मेरा अभी कर रहा है देखो कुछ डाल भी रहा है इसको बड़ा करने बढ़िया खाना था यार हम 6 लोगों ने भर भर के खाया ड्रिंक्स भी ली तो बिल वॉज 1640 for 6 एंड वॉज अ वेरी गुड प्लेस बड़ा मजा आया अच्छा सुंदर बना हुआ ये देखो और जस्ट रोड साइड एकदम शांत एरिया में सो फाइनली इट हैज बीन डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू स्टे टुडे एट जिस्पा क्योंकि सरचू यहाँ से है भी ज़्यादा दूर और सरचू पे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं नहीं स्टे के यहाँ पे कैंप साइट्स ही अवेलेबल हैं बट कोई होटल्स वगैरह इस सच आपको नहीं मिलेंगे सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टे इन वन सच कैंप साइट प्रेफर करेंगे हाँ कि हम राइट साइड पर किसी कैंप साइट पर रिवर साइड रुके क्योंकि लेफ्ट साइड अप द हिल हो जाएगी सो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप जब भी अगर जिस्पा भी आ रहे हैं तो हम टाइम से आ जाए क्योंकि हम ऑलरेडी 2 कैंप साइट देख चुके हैं एक हमें पसंद नहीं आई और एक ऑलरेडी पूरी फुल थी तो तीसरी कैंप साइट पर हमने ऑलरेडी कॉल करके पूछ लिया तो ये नीचे खाली है कुछ जगह कुछ टेंट्स तो हम वहाँ जाके एक बार चेकआउट करते हैं सो आफ्टर सक्सेसफुली रिजेक्टिंग टू ऑफ द कैंप्स हम रुक रहे हैं 2 कैंप्स जिस्पा में जितने में हमने 3 कैंप्स देखे कैंप साइट देखी टोटल उन 3 में से इसका व्यू एंड लोकेशन है सबसे अच्छी देखो ये हमारा कैंप है ये सारे कैंप्स और ये रिवर व्यू देख रहे हो सामने वाला व्यू ये जी हमारा टेंट ओहो पीछे का व्यू देखो पीछे पहाड़ स्नो कैप माउंटेन्स उधर पहाड़ इधर रिवर टेंट भी दिखाई देता हूँ आपको अंदर से एंड वी गॉट अ स्टील डील ओवर हेयर बड़ा सही प्राइस हमें मिल गया ये टेंट की एंट्री ये हमारा बेड ठीक है ये सबका सामान एक ही टेंट में आ गया इसलिए ऐसे बहुत सारा लग रहा है ये टेंट हो गया एंड ये उसी के साथ अटैच वॉशरूम मिनिमलिस्टिक सा सो बहुत बढ़िया हमें स्टील डील मिल गया 7000 for 6 people 2 टेंट उसमें मिले हमें और इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर बहुत बढ़िया मज़ेदार तगड़े गाने चल रहे पीछे क्या ही बताऊँ हो गई हमारी बॉन फायर शुरू ठंड इतनी है कि 500 रुपये दे के आग लगवाइए बैठ ये 500 रुपये जल रहे हैं कंबल लेके बैठ गया गिर गई खेल लो फोटो फोटो गिर गई वो नहीं है क्या पॉपकॉर्न फुल ले स्लाइड पे वो डाल दो पॉपकॉर्न मूवली डब्बा डाल दो स्लाइड सो वी आर गोइंग टू हैव डिनर और डिनर हमारा स्टे में इंक्लूडेड है और ये देख रहे हो इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पे मैं जैकेट निकालना नहीं चाहता था फिर वापस अनपैक करो फिर पैक करो सुबह और वो मोटी जैकेट है हम यहाँ पे डिनर करेंगे हमारा डिनर ऑलरेडी रेडी है अब देखते हैं क्या क्या है डिनर में अरेंजमेंट भाई पूरा बफे वाला है एंड चलो डालते हैं पहले डालते हैं फिर बताते हैं भाई खाना हो रहा है बहुत टेस्टी और खीर ले ली मैंने सेकंड टाइम खीर नहीं सेवैयाँ बहुत मज़ेदार बफे लगा हुआ है दाल बहुत वेरी टेस्टी सो खाना खा के हम अपना बढ़िया खाना था यार टेस्टी खाना था तो हम खाना खा के आ गए अपने कैंप के अंदर 2 बंदे दूसरे कैंप में सो रहे हैं क्योंकि वहाँ सारा सामान था और हम यहाँ पे आ गए अपने 2 बेड हमने ऊपर लगे हुए थे एक बेड ये लगा हुआ है एक बेड हमारा आरनो का मालिक बेचारा है देख रहे हो मेहनत देखो ज़रा सोने की मेहनत और कल का टास्क हमारा बहुत लंबा होने वाला है हमने जाने सीधा ले और आज पहुंचा था हमने सरचू 2 घंटे पहले ही हम रुक चुके हैं सरचू से और हमने सोचा कि भाई सुबह 6 बजे जल्दी उठ के 6:30 तक मैक्सिमम निकल जाएंगे पर अब हमारे को एक और न्यूज़ मिल चुकी है कि भाई 8 बजे से पहले यहाँ से 10 मिनट बाद ही चेक पोस्ट है वो 8 बजे से पहले छोड़ते ही नहीं है किसी को आगे जाने के लिए
तो सिचुएशन ऐसी है, कुछ घर जैसी है। मैं सिचुएशन पे सही है, कल मजा आने वाला है राइड पर, पूरा ऐसे फुल ऐसे व्यूज मिलेंगे, ऐसे ऐसे ठंडे लगेंगी, ऐसे ऐसे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे भाई। खटमल, खटमल क्या होता है दिखाइए, मैंने कभी देखा नहीं, सुना है बस। ओ और ये तुम्हारा ऐसे कर देते हैं, क्या कर देगा ये बड़ा कर देंगे। यार तू क्या आ रहा है यार वीडियो पे, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन यार, बड़ा परेशान कर देंगे यार भाई। मेरे को तो अब डर लग रहा है, नहीं क्लीन आ जाए पतले नदी में से मगरमच्छ आ रहा है। क्या हो गया? क्योंकि मुझे रेप्टाइल्स नहीं अच्छे लगते। मैं जाता हूं नहीं नहीं नहीं, चिपकली थोड़ी है ना नीचे सांप। भाई चिपकली की बात कर रहे थे साहब, और कुछ उठा दे, कोबरा आ जाएगा। तो अभी के लिए भाई गुड नाइट, मैं फट गई है तो सोने की कोशिश कर लेते हैं। पहले साहब आए थोड़ा नींद पूरी कर लो, फिर बाहर बैठ जाएंगे। तो कल मिलते हैं, कल हमारा है भाई टारगेट, वी हैव टू रीच ले, और अराउंड 12 घंटे लगेंगे हमारे को, घंटा तो मतलब 9 घंटे का रास्ता है, बट हम बीच में रुकते रुकाते 3 घंटे का रास्ता और कवर करने के लिए 12 घंटे हमारे को बेसिकली चाहिए। सो गुड नाइट, 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 गुड नाइट।